और लड़कों की खास बात भी होती है कॉलेज में, तो बात ना करें लेकिन बुक कर देते ये वाली मेरी पूरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, बात नहीं करेंगे उससे और अपने दोस्त की भी बना देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। मेरा नाम है मुनीश। मेरा नाम विजेंद्र। और मैं हूँ सुनील। और आज जिस गाने का हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है वीर सिंह जी की सुजेशन, प्यार टोल्दी किताबा रेंदी फोल्दी, सतिंदर सरताज जी की आवाज़ में। और ये एक्चुअली स्टेज शो का एक पार्ट है, इसका वीडियो भी नहीं है, जो इन्होंने लिंक सेंड किया उसके अंदर वीडियो नहीं है, तो हम इसको सिर्फ सुनेंगे और सुन के इनके लिरिक्स, और इनके लिरिक्स ही ज़्यादा बहुत लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इनके शब्दों को सुनेंगे क्या वर्ड्स हैं उसके, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, एक साडा गीत है जिहड़ा जदों मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हुंदा सी लाइब्रेरी बैठी दा सी, तुहाडे इत्थे लाइब्रेरी हैगी आ? ये शायद किसी कॉलेज में केड़े केड़े पढ़न जांदे आ ते केड़े केड़े हड़न जांदे आ, हाथ खड़े पढ़न जांदे ए हड़न वाले के पढ़न वाले? हड़न वाले मैनूं पता। अच्छा, ओदी छोटी जी कहानी है, कहिंदा भई मैं उत्थे बेंच ते बैठदा हुंदा सी, इह कहानी मेरी नहीं मेरे एक मित्र दी, उहने मैनूं सुणाई, कहिंदा यार रोज़ ही आके सामने बह जांदी है। मैं कहा कौन? कहिंदा भरजाई तेरी। मैं कहा भरजाई? कॉलेज वाले मूण वाली। सो कई कईयां नूं एवें गलत फहमी हो जांदी जदों इक अद्धी वारी कुड़ी सामने बह जाए, कहिंदा बस गल। कहिंदा प्यार टोलदी किताबां रहिंदी फोलदी ते साडे नाल गल ना करे वाणी, साडे नाल गल ना करे, अखां कहिंदियां बड़ाई कुछ रहिंदियां रहिंदियां रहिंदियां, अखां कहिंदियां बड़ाई कुछ रहिंदियां, दिलां दी गल दसणों डरे, डर टोलदी किताबां रहिंदी फोलदी ते साडे नाल गल ना करे वाणी, ओ साडे नाल गल ना करे, अखां कहिंदियां बड़ाई कुछ रहिंदियां कहिंदियां बड़ाई कुछ रहिंदियां, दिलां दी गल दसणों डरे, टोलदी किताबां रहिंदी फोलदी ते साडे नाल गल ना करे वाणी, साडे नाल गल ना करे। तो ये जो गाना है ये लाइब्रेरी के ऊपर बता रहे हैं, जो फ्रेंड ने मतलब सुनाया था, क्या जी साथ साथ रिएक्शन करते रहे थे थोड़े से। सतिंदर जी की वाइफ की फोटो लगा रखी है। इंज आके बैठ जावे मेरे सामने के जिवें कुछ पता नहीं हुंदा, आवें बोल बोल पढ़दी पढ़ाई च ध्यान पर रता नहीं हुंदा। अच्छा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता भाई। बैठ जावे मेरे सामने के जिवें कुछ पता नहीं हुंदा, आवें बोल बोल पढ़दी पढ़ाई च ध्यान पर रता नहीं हुंदा, अखां मीचियां वखाउंदी छल्ले चीचियां चीचियां अखां मीचियां वखाउंदी छल्ले चीचियां जी, सारे कम टीचरां परे, प्यार टोलदी किताबां रहिंदी फोलदी ते साडे नाल गल ना करे, ये स्टूडेंट्स के लिए डांस के करते हैं डांस के पीछे हरकत। तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है। कॉलेज में जब हम थे तो हमें भी सबको मतलब सबकी बात कर रहा हूँ, सबके साथ ऐसे लग रहा है उन्हें कोई लड़की ऐसे देख रही है, कहीं टकरा गई या कहीं दो बार तीन बार टकरा गई, तो उन्हें लगता है हो सकता है ये मतलब कुछ कहना चाहती है, कह नहीं पा रही हो, फंस जाए, क्योंकि लड़कों को ये हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है कि लड़कों को पहला स्टेप लेना होता है, और लड़कों की खास बात भी होती है कॉलेज में, तो बात ना करें लेकिन बुक कर देते ये वाली मेरी, ये भी ये हाँ पूरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, बात नहीं करेंगे उससे और अपने दोस्त की भी बना देते हैं। हाँ भाई, ये वाली तेरी वाली मेरी। सुनो, वैसे नाल दे यार दोस्त बहुत चकदे आ, वो खराब कर देगा। हाँ, ये तो मैं कह रहा था, एक यार ने सिखाया ढंग सानू ते बाकी बेलियां ने चकता। शाबाश शाबाश।
ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰਕੁਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਢੰਗ ਗੱਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕਿਆ, ਨੱਕ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ये मैं कह रहा था कि जो ये फोटोज लगाए हैं ना, इसमें स्लाइड्स लगाई हैं, ये भी बहुत अच्छी है। एक बीच में स्लाइड मैंने पढ़ी, उसके अंदर जो लिखा हुआ था ये गाली की है कुछ देर, इससे पहले एक स्लाइड आई उसमें लिखा था कि काश मैं सवाल न करता तुमसे, हमें तो तुम्हारा जवाब ले इस बात। मोहब्बत करने वाले की बात है, हमें तो तुम्हारा जवाब ले बैठा। ਉਹੀ ਨੁਕਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਠੋਕਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੁਕਸਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਏਡਾ ਝਾਕਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇਰੀ ਲਾਉਂਗੀ ਕਰੇ। ਬਤਾਤੀ ਹੋ ਮੈਂ ਘਰ ਪੇ ਬਤਾਉਂਗੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬੇਚਾਰੀ ਕੋ ਐਸੇ ਰਾਸਤੇ ਨਾ ਰੋਕ ਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਵਾ ਥੱਪੜ। ਬਚ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਬਚ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜੋ ਘਰ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਚੁਕਾ ਚੁਕਾਉਂਗੀ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਹੋਤਾ ਵੀ ਥਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਾ। ਅਰੇ ਗਾਓ ਕੇ ਹੋਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਬਤਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਰੇ ਪਾਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਪਾਪਾ ਜੋ ਟੁਕਾਈ ਕਰੇਗੇ ਉਹ ਨਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਰ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਆਸ਼ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਆਸ਼ਕੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੇ। ਦੀਦੀ ਦੀਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਖੁੰਡੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਘਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ ਜੀ, ਮੁੜ ਨਾ ਮਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਬਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਖੀਆਂ। ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ ਜੀ, ਮੁੜ ਨਾ ਮਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਬਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਖੀਆਂ। ਆਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਚਾਹ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਰੇ ਯਾਰ ਡੋਰ ਦੀ ਕਥਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਆ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਆ, 100 ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਮੇਂ ਅਗਰ 1000 ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੋ 1000 ਮੇਂ ਸੇ 100 ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਤਾ ਹੋਗਾ। ਯਾਰ ਡੋਰ ਦੀ ਕਥਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ
हैप्पी एंडिंग आई थिंक एंडिंग है यार और हैप्पी एंडिंग है अच्छा बहुत अच्छा मतलब हो रहा है स्टोरी अच्छी रही मतलब अच्छा रहा बेचारे का कुड़ियां ने जेनू सीधा करना वे गल दोस्तर साथ लेनी कहंदी उत्थे आई मेरी हिम्मत ना हुई कुछ कहण दी के बस कोल जाके बह गया जेड़ा यारा विच बड़ा सरताज बनदा सी नीवी पा के रह गया अपना नाम ले लिया तू मेरी हिम्मत ना होई कुछ कहण दी के बस सरदार जी कहां चले सरदार गया जेड़ा यारा विच बड़ा सरताज बनदा सी नीवी पा के रह गया ओ कहंदी बेशुदा या यारी लाया तेरे नाल मैं बिन बताए लगा लिया उसने लड़कियों का ये सही है वो बेचारा रोक रोक कर मर गया पंजाब बंडल तो दोस्तों ये था गाना हाँ जी एक तो कैसा लगा ओ भाई कॉलेज का दिन याद आ गया कॉलेज वाली स्टोरी है पूरा एक बंदे की पूरे मतलब से स्टार्ट हुई कहां पहली लाइन से लेके पहली लाइन मारने से लेके ने उसकी सेटिंग होने तक की स्टोरी है मुझे तो कॉलेज के दिन याद आ गए पूरे कि कॉलेज में होता क्या था और हम करते क्या थे क्या करते थे और क्या चलता था इस गाने के अंदर मतलब अगर ये देखो इसमें एक एक स्टेंजा है अगर ये थर्ड लास्ट पे खत्म हो जाता तो ये दुखद स्टोरी थी जहाँ लड़की ये कहती है कि मैं घर पे शिकायत लगाऊंगी तो गाना वहाँ भी खत्म हो सकता था वहाँ खत्म हो जाता तो दुखद स्टोरी होती है उसके बाद अगला स्टेंजा आ गया तो ये सुखद स्टोरी बन गई हैप्पी एंडिंग वाली बढ़िया थी फिर वहाँ भी खत्म नहीं हुआ एक और स्टेंजा आया तो आखिरी स्टेंजा ने लड़कियों की वो दिखाई लड़के बेचारा जब रोक रहा था तब तुमने हाँ नहीं कर सकती थी मतलब वहां पे बोला कि मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और बाद में खुद बोला कि मैंने तेरे साथ यारी लगा ली है खुद ही बंदा एक हफ्ते का टाइम लिया दो से लिए एक हफ्ते बाद आए पता चला एक हफ्ते में बंदे ने दूसरी सेट कर ली है तो होता ही है और क्या मूव ऑन कर जाते हैं लड़के बहुत जल्दी तो कहीं भी तो होता है ना कि अच्छा ये नहीं हो रही तो ठीक है दूसरी को देख लो तो गाना बहुत अच्छा था बहुत प्यारा गाना था बहुत ही मतलब यंग जनरेशन जो कॉलेजेस हैं जो आईआईटी जो बड्डल में जो पढ़ रहे होंगे जो स्टूडेंट्स जिनको सुना रहे हैं ये गाना उनके तो कईयों के हौसले खुल गए होंगे कि भाई मैं भी करूँगा नहीं कोशिश करने से ही मजे मिलता है भाई तो भाई उसने करी उसको मिल गई तो यहीं पे मैं तो अपना रिएक्शन यहीं पे ख़त्म करूँगा काफ़ी लंबी बहुत लंबी वीडियो पहले ही हो चुकी है ये 10 मिनट की वीडियो 11 मिनट की वीडियो ये वैसे ही थी और ऊपर से रिएक्शन हमारा ये 15 मिनट की वीडियो जा रही है तो ये हमारा रिएक्शन था आप अपने रिएक्शन तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम वीडियो लंबा नहीं कर सकते आप अपने कमेंट जितना चाहें उतना लंबा कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें बताएं अगर ये स्टोरी आपकी लाइफ से जुड़ती है या आपके फ्रेंड्स की लाइफ से जुड़ती है या आप क्या देखते हैं इस पूरी स्टोरी जो सरताज जी ने अपने वर्ड्स से बुनी है तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं और बाकी साथ के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको
हमारी वीडियो मिल सके सबसे पहले और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। Yes. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ बैठ के देखें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगले वीडियो के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय, लाइक दिस वीडियो प्लीज़।